पिछले कल देर शाम तक चली बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछली बार किसी जिला के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों व अधिकारियों को एक साथ बैठाकर विकास की जानकारी हासिल की। बैठक में स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग पर विशेष फोकस रहा। अस्पतालों में खाली पदों का मामला कई विधायकों ने उठाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाएं पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए। विभिन्न विभागों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सभी घोषणाएं निर्धारित समय अवधि के भीतर लागू की जाएं। साथ ही विधायकों से इनकी निगरानी करने को भी कहा। राज्य का सबसे बड़ा जिला होने के नाते सरकार इसके विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने राज्य में विकास की गति को प्रभावित किया है, लेकिन अब सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि कांगड़ा राज्य का सबसे बड़ा जिला है, बावजूद इसके जिला प्रशासन कोविड-19 मामलों की संख्या को नियंत्रण में रखने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच इस वायरस से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा घोषित सभी नई सड़कों और पुलों पर कार्य प्राथमिकता से किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड, CRF आदि के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए। विधायक प्राथमिकताओं को समय पर पूरा करने पर बल दिया जाए। उन्होंने FRA और FCA के विभिन्न मामलों को शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता पर भी बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कांगड़ा जिले के विकास में गहरी रुचि के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी में भी मुख्यमंत्री ने जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए जिले का दौरा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रमुख अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा जिला के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन गग्गल हवाई अड्डे पर आगमन का उनका महत्वपूर्ण स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार ने कोरोना को देखते हुए पंचायत चुनावों को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पंचायतों के चुनाव तय सीमा पर ही हो। सीएम ने कहा कि बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी को सुधारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के साथ चीन की सीमा लगती है। इस सब को देखते हुए किन्नौर और लाहौल स्पीति में सुरक्षा की दृष्टि से काम चल रहा है। साथ ही रोहतांग टनल, जिसका उद्घाटन सितंबर में होने की उम्मीद है, तथा PM में इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। बॉर्डर एरिया में सुरक्षा की दृष्टि से हेलीपैड बनाना भी जरूरी है, जिसका काम ITV देख रही है, तथा प्रदेश सरकार उन्हें हर चीजें मुहैया करवा रही है। लाहौल स्पीति में लोगों द्वारा कोई पलायन नहीं किया गया है। विकास को लेकर कुछ मुद्दे सरकार के सामने आए हैं। उन सारे मुद्दों पर सरकार काम कर रही है और इन मुद्दों के बारे में भी केंद्र को भी अवगत करवाया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में मंदिरों को फिलहाल सरकार नहीं खोलेगी। जैसे ही स्थिति ठीक होती है तो मंदिरों को खोलने को लेकर सरकार विचार कर सकती है। पिछले 2-3 दिनों से कोरोना मामलों में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मंदिरों को खोलने के लिए कोरोना के मामलों में और कमी देखी जाएगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। जिला कांगड़ा प्रवास पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर पत्रकारों से बातचीत में बोल रहे थे। कोरोना के चलते लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भले ही कांगड़ा में सरकार नाम की व्यवस्था को स्थापित करने पहुंच चुके हों, लेकिन पहले ही दिन का उनका दौरा सवालों के घेरे में आ गया है। विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने उनके दौरे के दौरान उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों को रडार पर ले लिया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया के स्वागत सत्कार में भीड़ इस तरह से बेकाबू हो रही है जैसे कोरोना इस प्रदेश से खत्म हो चुका हो, जबकि दूसरी तरफ इसी कोरोना से बचने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी कर रखी हैं, जिनके तहत विपक्षी दलों के
नेताओं, कई गैर सरकारी संगठनों, आम लोगों, मीडिया वर्ग के कर्मियों के खिलाफ उल्लंघन के मामले दर्ज किए हैं। सवाल तो ये उठता है कि सरकार प्रदेश में ऐसे दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है। सत्ता से इन लोगों के लिए कोई नियम कायदा नहीं और आम लोग उल्लंघना के फेर में फंस रहे हैं। सुधीर शर्मा ने मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ये सवाल पूछा है कि क्या सरकार ने प्रदेश में दोहरा कानून लागू कर रखा है।